मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डायरी ऑफ जीरो टू ब्लॉग्स। एक और नए दिन की शुरुआत। सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी अभी जॉगिंग करके आए हैं हम लोग। तो फटाफट नहा धो के नाश्ता वास्ता करके रेडी होके निकलते हैं कहीं घूमने। और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप सुबह के नज़ारे। धूप मस्त सी आ चुकी है। ये है विंडो के बाहर का व्यू और अब दिखाता हूँ छत का व्यू। सो फाइनली नहा लिया है और अब फटाफट हो लेते हैं तैयार, फिर निकलते हैं। मैं हो चुका हूँ रेडी और ये अभी भी तैयार होने नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाना होता है तो थोड़ा लेट हो जाता है मुझे, ऑब्वियसली बात है। सो फाइनली गाइज, हो चुके हैं रेडी और अब निकलते हैं घर से। आप भी आ जाओगे सिलेंडर रख के सर पे। तो अभी निकलने को है रेडी और ये पहन रहे हैं अपने ग्लव्स। ये देखिए सुबह का नजारा, इतना बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा कुछ क्लिप्स वगैरह बना लेते हैं। अभी आ चुके हैं हम 2-3 किलोमीटर आगे और बहुत मस्त मौसम हो रहा है। धूप आ चुकी है और ठंडा हो रहा है काफी। ये देखिए आप व्यू। खूबसूरत से पेड़ आसमान को छूते हुए। ठंड में बाइक से इधर उधर जाना बहुत टफ है भाई, हालत खराब हो जा रही है ठंड से, जबकि बहुत अच्छी खासी धूप आ रखी है। देख सकते हैं आप, अच्छी खासी धूप है। तो अभी हम 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ चुके हैं। वैसे हम आज किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं निकले, बस ऐसे ही देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जंगलों के बीच में ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, पता नहीं कैसे रहते होंगे लोग, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। इधर आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि अननोन रोड थी और पता नहीं था हमें कहाँ जाती है वो रोड, तो इससे हम बैक आ गए। और ये है होटल मीना, बेस्ट फॉर टूरिस्ट। देखिए आप रोड देख के ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं इधर। और जंगल यहाँ बहुत ज्यादा घना है, आप देख सकते हैं। बाइक से जाते हुए भी हमें डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल है। और ये देखिए स्लिपरी का भी खतरा है, स्लिप होने का।
पीछे ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना पेड़ है, क्योंकि बहुत साल पहले भी जब मैं यहाँ आई थी तो ये पेड़ तब भी वैसा ही था जैसा कि आज है, और इतना ही खूबसूरत। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पेड़ की खूबसूरती को। और इन जगहों में जो बैठने में सुकून है ना, वो सच में कहीं नहीं है, क्योंकि बहुत सुकून फील करते हैं हम जब यहाँ बैठते हैं। और बाहर से जब भी लोग घूमने आते हैं तो पैकेट बंद चीजें अपने साथ लाते हैं खाने पीने की, और यहाँ काफी कूड़ा करके जाते हैं, फेंक के जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप पहाड़ों में आए तो अपना जो भी आपका खाने पीने की चीजें होती है, गार्बेज होता है, प्लीज आप उसको अपने बैग में अपने साथ रखें और डस्टबिन में डालें, क्योंकि पहाड़ों की सुंदरता का ध्यान रखते हुए आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। जब भी यहाँ आते हैं तो आप अपना जो भी आपके खाने पीने की चीजें हैं, गंदगी है, आप प्लीज यहाँ ना फैलाएं उस चीज को। अभी हम आ गए हैं मोस्ट मानो मंदिर में, दिखाते हैं आपको कुछ व्यूज। हो गए हैं मंदिर के दर्शन, और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। निकलते हैं बैक टू होम, और रास्ते के कुछ फुटेज आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, और मंदिर के भी दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी करा दिए, अब चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए गाइस, ये है हमारा शहर, इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये हमारा खूबसूरत सा शहर। चलते चलते बाइक से नहीं दिख पा रहा था ये व्यू, तो ये व्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई है। अब चलते हैं, जा रहे हैं। वो देखिए, पहाड़ों से हम होते हुए आए हैं। अभी आपको दिखाया था वो जो होटल दिख रहे हैं मेघना, तो वहां से होते हुए हम आए हैं। तो गाइज, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और थैंक यू सो मच हमारा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।